হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। আই হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো। তো যাই হোক, আবার চলে এসে রাজস্থানের ব্লগ নিয়ে। আশা করি তোমার টাইটেল দেখে বুঝতেই পারছো আজকের ব্লগটি কিসের উপর হতে যাচ্ছে। তো চলো ব্লগটি শুরু করা যাক। सबको आने दो, देते ना आप, हम चलेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। पहले वगैरह क्या कि दरवाजे होते थे तो वो हाथी के वगैरह ससून से वगैरह तोड़े जाते थे। इस हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया रास्ता। अपन भी चल नहीं सकते, हाथी जैसे ही चलते थे वापस आते थे। सर इसको बोलते हैं सूरत सेकंड। ओके, আচ্ছা গণেশ পুল। এরকম করে না বাবা, চুপচাপ হাঁটতে হয়, সবাই দেখছে না কত সময় চলে দেখো তো। বাদুর আমি नहीं, गाइड नहीं चाहिए। फोटो एंटर कुछ है। We'd build this castle of sand, we'd hear the rush in the wind. Now we have come to an end, I hope that we that'll pick me up when all of my tears are running dry. Who'll take me back to the top? The waves come crashing in, the roaring surfers listen, the echoes lost again. ये झुमकों की डिजाइन है, लेडी झुमका गिरा दे।
और ये जो देख लो खड़ी स्टील अभी ये जरा अभी भी ज्यादा राजा का राज तिलक किया जाता था तो इसका दीपी किया जाता है। ये बहुत पुराना है। जो ये तरवार देख रहे हो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे वर्तमान में राजा जिंदा राजगद्दी बनी हुई ना सर, ये पूरी चंप। हाँ पहले के जमाने में सैनिक बैठा था, कभी भी शत्रु आक्रमण करता या कोई भी फेस्टिवल होता था तब यहाँ जो सैनिक बैठा था अलग अलग ट्यून से संकेत दिया करता था। सबसे बड़ी खूबसूरत राजा राजा बाहर रानी अंदर, रानियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सब रानियों के अंदर महल लगा करके पर्दा सिद्ध होता था, रानियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। और सर अभी आप आए हैं, बहुत गर्मी पड़ती है, 8-9 साल के होते थे तो उनको रिहा के ऊपर बैठने का है। रिश्ता आता था ना तब सर लड़की वहाँ से, पहले जमाने में कोई टंकी वगैरह थी नहीं, तो मर्जी कर दे तो वह सैनिक बैठते थे और वहाँ से नीचे फेंकते थे। मैम इधर आई, इसमें मैं एक छड़ी और या स्टिक जिसको मैं लकड़ी बोलते वो यहाँ रख दी जाती थी, उसे छाया होती थी, उससे टाइम के अनुसार पता चल जाता था अभी क्या टाइम हुआ। और जो ये देख रहे हैं मैम, ये पंडित लोग देख कर बताते थे कि इस साल कितनी वर्षा होने। ये सब पूरा जो सोफा सेट देख रहे हैं ये सब चांदी का बना हुआ। अब सर राजा का महल खत्म हो गया है, अब हम जाएंगे रानी के महल के अंदर। ये मैम पूरा हाथी के दांतों से बना हुआ है, जिनका आपको वहाँ पूरे पेंटिंग के दर्शाए पेंटिंग। ये पूरा फोड़ कर मैंने पहले बोला था त्रिकुट पहाड़ी, तीन कोने, हाँ इसलिए इस पहाड़ी को बोलते हैं त्रिकुट पहाड़ी, और पहाड़ी का नाम था मेरू इसलिए इसे बोलते हैं जैसलमेर। अब मैम हम इस जगह पर हैं, इस जगह से आए थे, यहाँ देख लो आपको दिख रहा है हम यहाँ पे, ये पूरा लिविंग ठंडी आती है। ये जो ऊपर देख रहे हो मैम ये अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है, ये क्या लकड़ी थी हाँ ये इस मैम, ये जो ऊपर आप मैम छत देख रहे हो ना ये लकड़ी चेंज नहीं की हुई।
Sports Cast. শুধু পাথর দিয়ে করে না একদম আর কিছু নেই সোনার ক্লাব নাই We could withstand, but now when I fall and when I cry, who's there to pick me up? When all of my tears are running dry, who'll take me back to the top? তাহলে চলো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি এই ব্লগটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো, টেক কেয়ার, টাটা, বাই বাই।